चलिए आप शुरू करते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए बहुत सारा रूल है। आपको क्यू एक्स फंक्शन जैसा गिवेन होगा उसके कारस्पॉन्डिंग आपको रूल फॉलो करके पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा। अगर क्यू एक्स यहाँ पर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्यू एक्स इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा ई टू द पावर ए एक्स है, जहां पर ए कॉन्स्टेंट, जहां पर ए इज कॉन्स्टेंट, जहां पर ए कॉन्स्टेंट है, तो इसका रूल आएगा। अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स गिवेन है, तो वाई इक्वल टू ये आ जाएगा ई टू द पावर ए एक्स अपॉन एफ ऑफ डी, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर अल्फा एक्स आ जाएगा, और इस डी की जगह एफ ऑफ ए आ जाएगा। मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा कैसे। अगर जहां पर आपको याद रखना होगा एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो हो गया, अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे एफ ऑफ डी करना पड़ेगा, यानी कि एफ ऑफ डी इक्वल टू एफ डैश ए। अब फिर से एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर फिर से ये जीरो हो गया, अगर फिर से ये एफ डैश ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो फिर से आपको यहाँ पे एक एक्स और मल्टीप्लाई करना होगा और इसको दोबारा डिफरेंशिएट की करना पड़ेगा ऐसे एफ ऑफ डी, तो ये आ जाएगा एफ डबल डैश ए, जहां पर फिर से एफ ऑफ डबल डैश ए को नॉट इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं अगर पार्टिकुलर इंटीग्रल क्यू एक्स की वैल्यू टू दी पावर ए एक्स है, जहां पर ए कांस्टेंट है, तो ऐसे रूल करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। मैंने एक क्वेश्चन लिया डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू वाई इक्वल टू टू फोर एक्स, देन द जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूं। तो ये आ जाएगा, इस डी की जगह एम पुट करिए, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इक्वल टू जीरो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस टू एम माइनस एम प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो ये जाएगा एम इंटू एम माइनस टू माइनस वन इंटू एम माइनस टू इक्वल टू जीरो, जहां से एम की वैल्यू होगा माइनस एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहां पे एम की वैल्यू आ रहा है 1.2। चलिए पहले इसका सीएफ निकालते हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा सीएफ इक्वल टू सी वन ई टू द पावर एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर टू एक्स, जहां पर सी वन कोमा सी टू कॉन्स्टेंट है। तो इसका मैंने सीएफ निकाल दिया है। चलिए इसका पीआई यानी कि पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो ये आ जाएगा वाई इक्वल टू ई टू द पावर फोर एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू। अब इस डी की जगह ए रखिए, देखिए इस डी की जगह ए रखिए, तो ये आ जाएगा फोर स्क्वायर माइनस थ्री इंटू फोर प्लस टू। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व, फोर प्लस टू सिक्स, जो नॉट इक्वल टू जीरो है, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका पी आई आएगा ई टू द पावर फोर एक्स अपॉन फोर स्क्वायर माइनस थ्री इंटू फोर प्लस टू, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर फोर एक्स अपॉन सिक्स। चलिए मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा जहां पर एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो गया तो उसे कैसे करेंगे, उसका एग्जांपल लेते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो है तो क्या करेंगे, तो इसका पी आई आएगा वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू। तो जब आप इस डी की जगह ए यानी कि वन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वन माइनस थ्री प्लस टू, जहां पर ये जीरो हो रहा है, यानी कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ वन इक्वल टू जीरो हो रहा है। तो आपको एक्स यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यानी कि एक्स इंटू एफ डैश डी, और एफ डैश डी की एफ डैश डी जब आप इसको डिफरेंशिएशन कीजिए तो ये आ जाएगा टू डी माइनस थ्री। फिर से जब आप इस एक्स की जगह इस एक डी की जगह वन रखिए तो ये आ जाएगा एक्स इंटू टू द पावर एक्स टू इंटू वन माइनस थ्री।
तो ये आ जाएगा x इंटू ई टू दी पावर x अपॉन माइनस वन, जहां पर एफ डैश ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा x इंटू ई टू दी पावर x माइनस वन हो जाएगा माइनस एक्स इंटू ई टू दी पावर x। तो ऐसे आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए रूल नंबर टू, अगर क्यू एक्स की वैल्यू साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स गिवेन है तो उसे कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, जहां पर साइन ए और यहाँ पे कॉस ए एक्स दोनों कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। तो इसका टर्म एफ ऑफ डी स्क्वायर कोमा डी वाई इक्वल टू ये आ जाएगा। मैंने ई टू दी पावर एक्स में सिर्फ एफ डी था, यहाँ पर एफ ऑफ डी स्क्वायर कोमा डी इक्वल टू वाई एक्स आ जाएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल वाई इक्वल टू मैं लिखूंगा साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स बाई एफ ऑफ डी स्क्वायर कोमा डी। तो इस डी स्क्वायर की जगह इसका रूल है, इस डी स्क्वायर की जगह आपको साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स लिख लीजिए, और इस डी स्क्वायर की जगह ए की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा और सामने माइनस लगाना होगा। ये आ जाएगा माइनस एस कोमा डी। ये जब आएगा इसके लगाने के बाद इस साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स को रैशनलाइज करके इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाला जाता है। चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कैसे साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स गिवेन होगा क्यू एक्स में, तो रूल टू की मदद से हम कैसे पार्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करते हैं। फ्रेंड्स पहले इसका सीएफ निकालते हैं, तो सीएफ निकालने से पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो डी की जगह एम पुट करिए तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इक्वल टू जीरो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस थ्री एम माइनस एम प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा एम इंटू एम माइनस टू माइनस वन इंटू एम माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एम की वैल्यू आएगा टू और एम इक्वल टू वन। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि सी एफ आएगा सी वन ई टू दी पावर एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर टू एक्स, जहां पर सी वन कोमा सी टू कॉन्स्टेंट है। सो फ्रेंड्स देखिए आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखाऊंगा। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल वाई इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा साइन थ्री एक्स अपॉन ये ऑपरेटर आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने कहा था आपको ये इस साइन ए की वैल्यू यहाँ पे थ्री है, तो यहाँ पे डी की जगह थ्री रखना पड़ेगा और आगे माइनस लगाना पड़ेगा ऐसे। तो ये देखिए साइन थ्री एक्स अपॉन माइनस नाइन माइनस थ्री डी प्लस टू। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थ्री एक्स अपॉन माइनस थ्री डी माइनस सेवन। जब आप इस माइनस को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा साइन थ्री एक्स अपॉन माइनस थ्री डी प्लस सेवन। इस स्टेप को ध्यान से देखिए, मैं अब क्या करूंगा थ्री डी प्लस सेवन थ्री डी माइनस सेवन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रैशनलाइज हो जाएगा, फिर से डी स्क्वायर की टर्म आएगा, उस डी स्क्वायर की जगह फिर से थ्री पुट करूंगा तो ये इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस स्टेप को ध्यान से देखिए, तो ये आ जाएगा साइन थ्री एक्स इंटू थ्री डी माइनस सेवन अपॉन माइनस थ्री डी प्लस सेवन इंटू थ्री डी माइनस सेवन। मैं इस स्टेप को यहां पर करता हूं, इधर करता हूं, तो देखिए इधर आ जाएगा, ये देख सकते हैं ये डी डिफरेंशियल ऑपरेटर है, यानी कि साइन थ्री एक्स को डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट थ्री सामने आएगा, मैं जब इसको इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये आ जाएगा थ्री इंटू कॉस थ्री एक्स आ जाएगा माइनस सेवन को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा साइन सेवन साइन थ्री एक्स। और यहाँ पे देखिए ए प्लस बी थ्री डी प्लस सेवन इंटू थ्री डी माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा माइनस नाइन डी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर ये आ जाएगा फोर्टी नाइन। सो फ्रेंड्स देखिए मैं इस डी स्क्वायर फिर से आ गया, डी स्क्वायर की जगह आपको फिर से थ्री पुट करके सामने माइनस रखना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा नाइन कॉस थ्री एक्स माइनस सेवन साइन थ्री एक्स अपॉन माइनस, यहां पे जब आप पुट करेंगे तो इसका
सम आ जाएगा माइनस 130, माइनस से माइनस कैंसिल तो ये प्लस आ जाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर इंटीग्रल ये बन जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसका टोटल यानी कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। सो जनरल सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई इक्वल टू सी वन ई टू द पावर एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर टू एक्स प्लस, अब इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को आपको लिखना पड़ेगा। ये आ जाएगा 9 कॉस 3x माइनस 7 साइन 3x अपॉन 130। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का टोटल सॉल्यूशन यानी कि जनरल सॉल्यूशन सी एफ प्लाई प्लाई सी एफ प्लस पी आई ये हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक कॉस फंक्शन की एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास क्यू एक्स की वैल्यू कॉस की फंक्शन में दिया है तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलते हैं, मैं सिर्फ पार्टिकुलर इंटीग्रल निकल के दिखाऊंगा। आप कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया है, आप कर लेना। तो इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल टू वाई इक्वल टू ये आ जाएगा कॉस टू एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी माइनस सिक्स। इस डी की जगह टू रखेंगे और माइनस टू रखेंगे और माइनस सामने माइनस लगाएंगे तो ये आ जाएगा कॉस टू एक्स अपॉन माइनस 4 माइनस डी माइनस सिक्स। सो फ्रेंड्स देखिए, ये आ जाएगा कॉस 2x अपॉन माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 माइनस डी माइनस, जब कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा 10 प्लस डी। अब साइन की तरफ इसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा तो डी माइनस 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर से तो ये आ जाएगा कॉस डी माइनस 10 अपॉन माइनस डी स्क्वायर, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 100। तो ये आ जाएगा माइनस 2 साइन 2x, जब आप कॉस 2x को डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 10 कॉस 2x अपॉन माइनस, ये आ जाएगा आप माइनस 2 रखेंगे और सामने माइनस लगाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 100 माइनस 100 माइनस 4 और माइनस 100 माइनस 104 आ जाएगा। मैं इसको इधर लिख लेता हूं तो ये आ जाएगा माइनस 2 साइन 2x माइनस 10 कॉस 2x अपॉन 104, माइनस से माइनस प्लस हो गया तो ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा अगर आप इस क्यू एक्स की जगह अगर एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे पॉलिनोमियल आ गया तो मैं उसका कैसे पार्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाता है मैं आपको दिखाऊंगा।